इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में ये चल रहा है भाई साहब। क्यों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होने लगा है धीरे धीरे। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपको 100 सीसी की बाइक लेनी थी आज से 10 साल पहले, तो आपके पास हीरो की तरफ से, हीरो होंडा की तरफ से एक ऑप्शन आता था कि आप चले जाइए सीधे तौर पे स्प्लेंडर की तरफ, बेस्ट बाइक आपको मिल जाती थी इन बेस्ट बजट। अब जब वो दोनों कंपनी अलग हुई, तो वहां पे हीरो ने अपनी खुद की HF डीलक्स लॉन्च करके खुद की बाइक स्प्लेंडर के साथ कंपटीशन बढ़ा दिया और स्प्लेंडर को भी एक कॉम्पिटिटर दे दिया, यानी कि अंदरों अंदर एक कॉम्पिटिशन चल रही है। अब अगर हम बात करें होंडा, जो कि हीरो से अलग होने के बाद ये पल्सर वो भी आगे बढ़ा चुकी है, और यहाँ पे होंडा ने पहले लॉन्च की थी ब्रेमुगा, उसके बाद आई CD110, यानी कि 110 सीसी में अगर कोई होंडा की बाइक लेना चाहता है तो उनके लिए भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन। अब इस कन्फ्यूजन को उन्होंने महा कन्फ्यूजन में क्रिएट किया, वो इसलिए क्योंकि होंडा की जो यूनिकॉर्न आती थी, जो कि हीरो से अलग होने के बाद होंडा की सबसे पहली बाइक थी यूनिकॉर्न 150, उसमें भी अब BS6 में कन्वर्ट होने के बाद वहां पे आपको 160 सीसी का इंजन दिया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना कि अब होंडा की जो यूनिकॉर्न है सीधे तौर पर टक्कर देने वाले होंडा की हॉर्नेट 160 को। तो चलिए इन दोनों ही बाइक का डिटेल रिव्यू करके आपको बता दें कि विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन और विच वन इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पैकेज फॉर यू। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात कर ले दोनों ही बाइक के लुक्स के बारे में, तो सबसे पहले हम चले जाते हैं हॉर्नेट की तरफ, क्योंकि वहां पे एक आपको स्पोर्टीनेस वाला लुक मिल जाता है, और यंग जनरेशन यानी कि हमारे टाइप के यंग लड़कों के लिए तो बेहद ही अट्रैक्टिव लुक होंडा प्रोवाइड कर देती है। एक स्पोर्टी फील और बेटर एरोडायनेमिक्स के साथ वहां पे आपको अच्छी खासी पावर्ड इंजन भी मिल जाने वाला है। अगर हम बात करें दूसरी साइड पे होंडा यूनिकॉर्न की, तो होंडा यूनिकॉर्न को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया हुआ है। 15 सालों से वो बाइक इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में है, उसके बावजूद उसने सेम लुक कंटिन्यू किया गया, और उसके भी बावजूद वहां पे आपको सेम लुक जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा मिल जाता है, और ज्यादातर लोगों को पसंद भी आता है। ज्यादातर क्या, मैं तो बोलता हूँ 100% सभी लोगों को ये लुक पसंद भी आता है, क्योंकि वहां पे उसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया कि वो यंग और ओल्ड दोनों ही जनरेशन के जो लोग चलाएंगे तब दोनों को ही शूट करने वाले हैं। अगर हम बात करें दोनों के ही लाइटिंग सेटअप के बारे में, तो वहां पे हॉर्नेट थोड़ी बाजी मार जाती है, तो इसीलिए क्योंकि हॉर्नेट में आपको फ्रंट में व्हाइट एलईडी मिल जाती है डे एंड नाइट रनिंग, और रियर में भी आपको एक एलईडी XZ बल्ब लाइट प्रोवाइड कर दी जाती है। हालांकि चारों इंडिकेटर इसमें आपको मिल जाते हैं बल्ब वाले, लेकिन अब जब हम बात करते हैं होंडा यूनिकॉर्न के बारे में, लाइटिंग सेटअप के बारे में, तो वहां पे यूनिकॉर्न में आपको वही पुराना येलो कलर का हेलोजन लैंप दे दिया जाता है, चारों इंडिकेटर में भी आपको बल्ब मिल जाते हैं, और रियर टेल लैंप वही सिंपल सी टाइप की आपको वहां पे दी जाने वाली, लेकिन वहां पे भी आपको LED का ऑप्शन नहीं, वहां पे भी आपको बल्ब भी प्रोवाइड करवा देने वाला है। यानी कि हॉर्नेट एक यंग जनरेशन को देखते हुए, 21st सेंचुरी को देखते हुए डिजाइन किए गए, जबकि यूनिकॉर्न में वही पुरानी परंपरा कंटिन्यू रखने की कोशिश की है होंडा। हम चलते हैं दोनों के इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ, तो वहां पे भी होंडा यूनिकॉर्न से होंडा हॉर्नेट एक प्लस पॉइंट के साथ आती है, और होंडा हॉर्नेट वहां पे बाजी भी मार जाती है इंजन सेटअप के बारे में, क्योंकि दोनों में हालांकि 160 सीसी का इंजन ही प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जो होंडा की हॉर्नेट है वहां पे आपको मिल जाता है 160 सीसी का रिट्यून इंजन, यानी कि होंडा की हॉर्नेट आपको निकल के देने वाली है 15.9 PS की पावर और 14.5 नैनोमीटर का टॉर्क, जबकि यूनिकॉर्न आपको प्रोवाइड करती है 12.91 PS की पावर और 14 नैनोमीटर का टॉर्क। हालांकि दोनों में सेम इंजन मिलता है और दोनों का टॉर्क फिगर भी सेम है, लेकिन वहां पे पावर के मुकाबले में होंडा हॉर्नेट एक प्लस आपको पॉइंट रिव्यू कर देती है। इससे फायदा यह होने वाला है कि अगर आप इसे ऑन रोड लेके जाओगे, दोनों ही बाइक में अगर आप छोटी सी ड्रैग रेस करोगे, तो वहां पे आपको होंडा हॉर्नेट में एक्सीलरेशन ज्यादा महसूस होने वाला है इन कंपेयर टू होंडा यूनिकॉर्न। अब हम बात कर ले दोनों में आपको 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है, और दोनों में आपको SI टेक्नोलॉजी वाला इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं माइलेज के बारे में, तो वहां पे होंडा यूनिकॉर्न थोड़ी प्लस रहने वाली, क्योंकि यूनिकॉर्न में आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम प्रोवाइड कर देने की वजह से होंडा जो क्लेम करती है उसके तहत यूनिकॉर्न की माइलेज आपकी 55-60 रहने वाली है, लेकिन होंडा की हॉर्नेट में वही पुराना कार्बोरेटर सिस्टम दिया गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो होंडा की हॉर्नेट आपको प्रोवाइड करके देने वाली है 50-55 की माइलेज। यानी कि अगर आपको माइलेज वाली 160 सीसी बाइक चाहिए, तो आपको होंडा यूनिकॉर्न की तरफ चले जाना चाहिए, वो 110% हॉर्नेट से ज्यादा बेटर माइलेज आपको प्रोवाइड करने वाली। दोनों ही बाइक में आपको सेल्फ प्लस किक स्टार्ट मिल जाने वाला, दोनों में आपको 5 स्पीड का एक गियरबॉक्स प्रोवाइड कर दिया जाता है,
बात करें सेफ्टी फीचर्स के मामले में और ब्रेकिंग पावर के मामले में तो यहाँ पे भी दोनों बाइक्स नेक टू नेक चल रहे हैं, क्योंकि दोनों में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हालांकि जो होंडा यूनिकॉर्न में उसमें सिंगल वेरिएंट अभी लॉन्च किया गया है, लेकिन हॉर्नेट में आपको अगर दोनों ही डिस्क ब्रेक और दोनों ही ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट चाहिए तो वो भी मार्केट में अवेलेबल करवा दी जाएगी जल्दी ही। अब हम बात कर ले, दोनों में आपको फ्रंट में सिंगल चैनल ABS मिल जाने वाला है और रियर में दोनों में ही आपको ड्रम ब्रेक सिस्टम दिया जाता है। हालांकि जो यूनिकॉर्न है वहां पे CBS के साथ आती है ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक, यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, इसीलिए हॉर्नेट से यूनिकॉर्न की ब्रेकिंग फोर्स थोड़ी ज्यादा बेहतर और ग्रिपिंग भी थोड़ी ज्यादा बेहतर रहने वाली है। और अगर हम बात करते हैं स्पीडोमीटर के सेटअप के बारे में तो वहां पे हॉर्नेट एक प्लस पॉइंट के साथ आते हैं, क्योंकि हॉर्नेट में पूरा ही कंसोल आपको डिजिटल मिल जाता है और साथ ही में वहां पे आपको इंजन किल स्विच दी जाती है, जो कि हालांकि अभी नहीं रिवील हुआ कि यूनिकॉर्न BS6 में वो स्विच मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे मुताबिक वो स्विच वहां पे भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और साथ ही साथ यूनिकॉर्न अगर आप सीटिंग के मामले में देखेंगे तो वहां पे वो हॉर्नेट से बेटर रहने वाली है, क्योंकि उसकी लोअर सीटिंग और लॉन्ग सीटिंग की वजह से जो पिलो राइडर होगा उसे वहां पे बैठने में आसानी होने वाली। और आपने मैंने जैसे बताया कि हॉर्नेट में आपको एक डिजिटल कंसोल मिल जाता है स्पीडोमीटर का, जबकि यूनिकॉर्न में वही पुराना आपको एनालॉग सिस्टम वाला कंसोल दिया जाने वाला है। अगर हम सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें, मैं इसीलिए बोल रहा था कि होंडा अपने आप में कॉम्पिटिशन पे तुली हुई, क्योंकि दोनों में सेम सस्पेंशन सेटअप दे दिया गया, दोनों में ही फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिल जाने वाला है, यानी कि खराब रास्तों पे और गड्ढों पे दोनों ही बाइक की परफॉर्मेंस एक जैसी होने वाली, उन दोनों में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे यूनिकॉर्न के पास लोअर और लॉन्ग सीट होने की वजह से वहां पे आपको थोड़ा सस्पेंशन अच्छा वर्क करके देने वाला है, यानी कि खराब रास्तों पे 1-2% इन कंपेयर टू हॉर्नेट यूनिकॉर्न की राइडिंग आपको बेटर लगने वाली है। अब हम बात कर ले दोनों के टायर्स के बारे में तो होंडा यूनिकॉर्न में आपको मिल जाता है 18x100 के 18 इंच के फ्रंट में और रियर में आपको मिल जाता है 100x90 का 18 इंच वाला व्हील, यानी कि दोनों व्हील आपको 18 इंच वाले मिलने वाले हैं। और हम चले जाए हॉर्नेट की तरफ तो वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है 100x18 इंच का 70 इंच वाला फ्रंट में व्हील, और जो बैक व्हील है वहां पे आपको मिल जाने वाला है 140x70 का 70 इंच वाला व्हील, यानी कि जो हॉर्नेट है वहां पे बैक व्हील जो है वो बड़ी साइज के साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसीलिए वहां पे एक प्लस पॉइंट होंडा यूनिकॉर्न से ये रहने वाला है कि अगर आप थोड़ी तेज राइडिंग पे भी चलेंगे तो वहां पे उसकी ग्रिप जो है रोड ग्रिपिंग वो बेटर रहने। तो अब हम फाइनल पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि प्राइसिंग। तो प्राइसिंग के मामले में होंडा यूनिकॉर्न BS6 में अभी स्टैंडर्ड वेरियंट एक ही वेरियंट लॉन्च हुआ है और हॉर्नेट में 4 या 5 वेरियंट थे, लेकिन वहां पे भी मैंने स्टैंडर्ड ABS वाला वर्जन ही पिक किया है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें, ऑन रोड आपकी शोरूम के बाहर आपको 1,09,000 में दोनों ही बाइक आपको सेम प्राइसिंग के साथ मिलने वाले, प्राइस भी सेम, इंजन स्पेसिफिकेशन भी सेम, सस्पेंशन सेटअप भी सेम, ज्यादातर 99% चीजें दोनों में सेम रखी गई है, सिर्फ दोनों के लुक में चेंज है, वो भी बहुत बड़ा लुक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लुक भी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अब हम बात करें तो मैंने बताया कि दोनों ही बाइक आपको बाहर, यानी कि शोरूम से बाहर निकालने पर 1,09,000 तक में कंफर्म आपको मिल जाने वाली है। तो यहाँ पे आपके लिए सोचना ये होगा कि आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप खराब रास्तों पे चलते हैं और आपको एक माइलेज प्रेफरेंस वाली 160 वाली बाइक चाहिए तो वहां पे आपके लिए एक बेटर ऑप्शन और बेटर वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करने वाली है होंडा की यूनिकॉर्न। और अगर आप स्पोर्टी बाइक चाहते हैं और ऐसी बाइक चाहते हैं कि यंग जनरेशन, यानी कि यंग जनरेशन को बिलोंग करते हैं और ऐसी बाइक चाहते हैं जो आपको चलाने में भी मजा आए, थोड़ी स्पोर्टी भी फील हो, तो वहां पे आपको बेटर रहने वाली होंडा की हॉर्नेट। तो बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई